तो जो काम आज इस पृथ्वी में इंसान कर रहा है सच्ची, ये तुम करोड़ों अरबों दुनिया देख रहे हो, इसका तीसरा हिस्सा भी ना नजर आए। ठीक है, निकालो रोमियो 3:22, जहां पे लिखा अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं, क्योंकि इसलिए कि सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्राचीर ठहराया कि जो शांस करने से कारीगर होता है, कि जो पाप पहले से किए गए जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उसके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे। सब बोलो आमीन। क्या करें? जो पाप पहले किए गए, बोलो क्या किए गए? लिखा परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर लिखा विलंब से कोप करने में धीरस बनता है। इंसान जैसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ हल्का जा कुछ हो गया तो वो क्या करता है, और तेरी देखी जाओगी। हाँ, इंसान ऐसा है। अगर परमेश्वर इंसान के जैसा हो तो आज जो करोड़ों दुनिया अरबों तुम देख रहे हो इस पृथ्वी पर, आधे से तीसरे भी ना नजर आए। अगर इंसान जैसा परमेश्वर जो कुछ इस संसार में व्यक्ति कर रहा है, जितने गंदे काम, जितने बुरे काम, जितने पाप वो कर रहा है, सच्ची अगर परमेश्वर इंसान के जैसा हो, पर लिखा वो उसने अपनी सहनशीलता के कारण, बोलो क्या है, ध्यान नहीं दिया कि उसके विषय में अपनी महिमा, उसके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करी, क्योंकि वो परमेश्वर विलंब से कोप करने और धीरसवंत है। धीरसवंत समझे, मतलब हर चीज को वो टाइम से उसमें देरी करता है। इंसान जैसे नहीं जल्दी से ओ जो हो गया चकर दो जो हो गया, हाँ मार दो फोड़ लो जो हो गया, ऐसा इंसान एक मिनट में हो तेरे जमने मरने छुट्टे, ओ गए मैंने नहीं मिलना तूने नहीं मिलना, ओ गया तू सटे व्याह नहीं होना सी नहीं आना। हाँ होता है ना, ये इंसान की फितरत है। इसलिए गिनती 3:19 में लिखा परमेश्वर, हाँ इंसान नहीं, इंसान के जैसा नहीं है परमेश्वर, इंसान इंसान नहीं है, इंसान के जैसा नहीं है, उसके जैसा स्वभाव नहीं है। अगर उसके जैसा हो तो जो काम आज इस पृथ्वी में इंसान कर रहा है सच्ची, ये तुम करोड़ों अरबों दुनिया देख रहे हो, इसका तीसरा हिस्सा भी ना नजर आए। समझ आ रही है? पर वो दयावान परमेश्वर है।